गाइस, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बिल्कुल नई तरह की रेसिपी जो कभी मेरी मम्मी बनाती थी। तो आज साग लेकर आई मैं, तो साग में ये बहुत मोटे मोटे डंठल थे, तो मैंने पत्ते तो तोड़ लिए इसके, तो अभी ये मोटे मोटे डंठल रह गए हैं। तो एकदम से ही मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा चलो आज मम्मी वाली रेसिपी एक बार बनाते हैं। तो ये डंठल है जो, इसका मैं बनाऊंगी अचार। तो पंजाबी में कहते हैं गंदला दा अचार, तो ये वही मैं बनाने वाली हूँ आज। तो ये मोटे मोटे डंठल हैं, तो इनको अच्छे से इसका छिलका उतार लेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में काट के इनको, ऊपर का जो ये हार्ड छिलका है इसको उतार लेंगे, छील लेंगे इनको। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए व्यूवर्स, इनको मैंने ये सारे देखिए छिलके उतार लिए हैं और उसके बाद इनको छोटे टुकड़ों में काट लिया है। तो अब क्या करेंगे, पानी बॉईल करके और 10-15 मिनट के लिए इनको पानी में रख देंगे, उबलते पानी में। देखिए पानी बॉईल हो रहा है, इसमें डाल देते हैं। बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना, बस एक उबाल आ जाएगा तो हम इसको ढक के रख देंगे 15 मिनट के लिए। तो फिर उसके बाद बनाएंगे इसका अचार। ये देखिए, इसको गर्म पानी में से निकाल लिया मैंने, उबलते पानी में से, और इसको मैक्सिमम जितना पानी इसका सुखा सकते थे सुखा लिया मैंने इसको कपड़े से पोंछ के। तो चलिए अब इसका अचार बनाते हैं। सबसे पहले मैं ये अचार के लिए मसाले, ये सौंफ है, मेथी दाना है और कलौंजी है, इन सबको जो है थोड़ा 2-3 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इससे जो है इसमें मसालों में बहुत अच्छी खुशबू आ जाएगी। और ये देखिए ड्राई रोस्ट करने से जो मसालों में जो इसका नेचुरल ऑयल होता है ये रिलीज़ करते हैं और बहुत अच्छी इसके अंदर जो है खुशबू आ जाती है। तो बस हो गया, ये 2-3 मिनट ही करना था इनको। अब मैं क्या करूँगी, इसको दरदरा सा जो है पीस लेंगे। ये देखिए मसाले जो है मैं हाथ से ही इनको दरदरा करूँगी। तो सबसे पहले मैं इसमें थोड़े मसाले डाल, नमक मिर्च डाल देते हैं। तो ये नमक डाल देते हैं, थोड़ा सा, थोड़ी लाल मिर्च और थोड़ी सी हल्दी। अब इनको कूट लेते हैं, बस दरदरा इनको करना है हमने, बहुत ज़्यादा इनका फाइन पाउडर हमने नहीं बनाना। ये देखिए इसको दरदरा कर लिया है। अब चलिए अब चलते हैं गैस की तरफ। सबसे पहले पैन में हम सरसों का तेल डालेंगे। तेल देखिए अच्छे से गर्म हो गया। अब इसमें हम ये कटी हुई डंठल डाल देते हैं। अब इसमें ये कूटे हुए मसाले डाल देते हैं, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इनको। मैंने ये 2-3 हरी मिर्च भी काटी है, ये भी मैं डाल देती हूँ। आप डालना चाहें तो डालें, नहीं डालना चाहते तो स्किप कर सकते हैं। मैंने तो इसमें डाल दिए हैं, ज़रा इसका टेस्ट अच्छा आ जाएगा। मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं, इसमें गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं। हमने बहुत ज़्यादा इसको नहीं पकाना है क्योंकि पहले भी हम उबलते पानी में से इसको निकाल चुके हैं, अगर ज़्यादा पकाएंगे तो ये बिल्कुल ही गल जाएंगे। तो थोड़ा सा क्रंचीपन इसमें रहना चाहिए। तो गैस की फ्लेम हमने बंद कर दी है।
अब हम इसमें 2 चम्मच ये वाइट विनेगर डाल देते हैं, इससे जो है अचार ख़राब नहीं होता। बस इसको ठंडा करके और हम किसी कांच के बर्तन में इसको निकाल लेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, ये ठंडा हो गया। तो अब इसको हम ये कांच के बर्तन में निकाल लेते हैं। ये इंस्टेंट अचार है, आप इसको बनाकर और उसी टाइम आप इसको खा सकते हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आपको आज की मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और बचपन में किस किस ने ये खाया है ये भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और ये रेसिपी देख के किस किस को बचपन की याद आई ये मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।